हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश, और आज हम कर रहे हैं दो वेरिएंट को एक साथ कंपेयर, जो दोनों कंपास हैं। यह है आपका लिमिटेड ऑप्शनल सेकंड टॉप मॉडल, और इस साइड में है आपका थर्ड टॉप मॉडल। तो पहले आप दोनों का फ्रंट लुक डिज़ाइन देखिए। यह है लिमिटेड ऑप्शनल, इसमें आपको ऐसा लुक देखने को मिलेगा, और ये है आपकी लॉन्गिट्यूड, इसमें आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन दो बेसिक चेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिल रहा है, वहीं पर आपको ये ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको यहाँ पर पेंटेड ग्रे ग्रिल देखने को मिल रही है, वहीं पर आपको इसमें ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल रहा है। और लिमिटेड की रियर प्रोफाइल ऐसी देखने को मिलती है, और लॉन्गिट्यूड की रियर प्रोफाइल आपको ऐसी देखने को मिलती है, जिसमें इसमें भी बैक साइड में भी दो डिफरेंस हैं। यहाँ पे लाइट्स एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ये इस तरह के देखने को मिलते हैं, और वहीं पर इसमें आपको बिल्कुल क्लीन लाइट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इसमें लिमिटेड की बैचिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको बूट इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है। और वहीं लॉन्गिट्यूड में आपको बूट नॉर्मल हाइड्रोलिक मिलता है। बॉडी कलर डिफरेंस देखेंगे तो लिमिटेड में आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगी, ब्लैक विद कलर ऑप्शंस के साथ, वहीं पर आपको लॉन्गिट्यूड ऑल बॉडी कलर देखने को मिलेगा। लिमिटेड में आपको डायमंड कट डिज़ाइन के साथ 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, और वहीं आपको लॉन्गिट्यूड में नॉर्मल डिजाइन के साथ 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। लिमिटेड के इंटीरियर में आपको डैशबोर्ड 10 कलर का, और रूफ आपकी ब्लैक, और यहाँ पर आपको फुल्ली लेदराइज ग्रे कलर की सीट्स मिलती हैं, और वहीं पर आपको इसमें 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, दो फ्रंट पे साइड कॉटन, और आपकी यहाँ पर सीट में। और लॉन्गिट्यूड के इंटीरियर में आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा, ग्रे कलर की रूफ के साथ ब्लैक, एंड यहाँ पर डैशबोर्ड आपको ग्रे फैब्रिक स्टिचिंग के साथ, आपको सीट्स हाफ लेदर में फैब्रिक विद लेदर के साथ देखने को मिलती है, वहीं पर आपको इसमें दो एयरबैग देखने को मिलते हैं सिर्फ फ्रंट साइड के। लिमिटेड में आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट फोल्डर के साथ लंबर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और सेंटर कंसोल पे आपको कुछ स्पेस कप फोल्डर के साथ इतना स्पेस देखने को मिल जाता है। और लॉन्गिट्यूड में आपको वहीं पर मैन्युअली सीट सेट करने के लिए यहाँ पे हैंडल देखने को मिल जाते हैं, वहीं सेंटर कंसोल में आपको लिमिटेड की तरह सेम स्पेस देखने को मिलता है। लिमिटेड में आपको स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन के साथ फुल्ली लेदराइज स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, और लॉन्गिट्यूड में आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन के साथ निगेटिव फोमिंग के साथ लेदराइज स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। लिमिटेड में आपको डिग्गी ओपन क्लोज बटन के साथ सनरूफ देखने को मिलती है, वहीं लॉन्गिट्यूड में आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलती है। लिमिटेड में आपको विंडशील्ड मिरर ऑटो डिमिंग के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलती है, वहीं लॉन्गिट्यूड में आपको विंडशील्ड मिरर नॉर्मल देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाती है। लिमिटेड में आपको ओडोमीटर एनालॉग के साथ MID भी देखने को मिलती है।
लिमिटेड में आप अपनी स्टेयरिंग व्हील को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी कर सकते हैं यहाँ से। लॉन्गिट्यूड में भी आपको ओडोमीटर सेम लिमिटेड की तरह एनालॉग विद एमआईडी के साथ देखने को मिलता है। और लॉन्गिट्यूड की स्टेयरिंग व्हील को भी आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों कर सकते हैं। लिमिटेड में आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। वहीं पर नीचे कुछ क्लाइमेट कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। वहीं लॉन्गिट्यूड में भी आपको 10.1 इंच का म्यूजिक सिस्टम के साथ नीचे क्लाइमेट कंट्रोल के पुश बटन एंड म्यूजिक सिस्टम के कुछ कंट्रोल सेम देखने को मिलते हैं। लिमिटेड की सेकेंड रो में आपको यहाँ पर एसी वेंट के साथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 12 वोल्ट का डीसी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। वहीं लॉन्गिट्यूड में भी आपको एसी वेंट के साथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और नीचे 12 वोल्ट का डीसी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। लिमिटेड में आपको फुल्ली लेदराइज सीट्स देखने को मिल जाती हैं। वहीं लॉन्गिट्यूड की सीट्स आपको फैब्रिक विद लेदर के साथ देखने को मिलती हैं। लिमिटेड में आपको साइड मिरर ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ इंडिकेटर देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूड में भी आपको ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ साइड मिरर में इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और इन दोनों में अगर इंजन की बात करें तो दोनों में सेम इंजन सेम ट्रांसमिशन के साथ सेम पावर देखने को मिलती है। दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन है और दोनों में 2000 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों चाबियाँ देखिए, यह है लिमिटेड की और यह है लॉन्गिट्यूड की। इसमें आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिलता है सिर्फ। वहीं आपको लिमिटेड में लॉक और अनलॉक के साथ डिग्गी ओपन और क्लोज करने का बटन देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में कर लेते हैं प्राइसिंग की बात। लगभग 2 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों में। और लॉन्गिट्यूड आपको एक से शोरूम कीमत पड़ती है 23,04,000 रुपए की। वहीं लिमिटेड ऑप्शनल आपको पड़ती है 25,29,000 रुपए की। तो यह है दोनों में प्राइस और वेरिएंट में डिफरेंस। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।